हेलो डियर टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, दिस इज़ कंप्यूटर कॉन्सेप्ट से के पांडे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज सीबीएसई की तरफ से एक सर्कुलर जारी किया गया जुलाई 15, 2021, और इसका सब्जेक्ट है ओपनिंग ऑफ पोर्टल फॉर मॉडरेशन ऑफ मार्क्स ऑफ क्लासेस 11th एंड 12th रिगार्डिंग। 11वीं 12वीं का जो लास्ट स्टेप है रिजल्ट प्रिपेयर करने में, लगभग सारी स्टेजेस कंप्लीट हो चुकी हैं। अब आखिरी स्टेज जो कि बहुत ही क्रूशियल और इम्पॉर्टेंट स्टेज है, जिसमें मार्क्स का मॉडरेशन होना है, प्रीवियस हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस ईयर जो है आपका, उसके हिसाब से आपको सब्जेक्ट एवरेज और ओवरऑल एवरेज मेंटेन करना है, मैच करना है, और ब्रैकेट्स में बच्चों को नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के मार्क्स रखने हैं एक स्पेसिफिक रेंज में। बिलो 33% कितने स्टूडेंट्स का आना चाहिए, 33% से जो भी रेंजेस दी गई है, 33% से 50% तक, 50% से 75% तक, इन सारी रेंजेस में कितने कितने स्टूडेंट्स आपके हिस्टोरिकल डेटा में रेफरेंस ईयर में थे, उतने ही स्टूडेंट्स इस साल भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स उसी कंपैरिजन में, उसी के अकॉर्डिंग आपको ब्रैकेट्स में रखना है। तो ये सब मॉडरेशन में करना है, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट और क्रूशियल चीज़ है बच्चों के भविष्य को देखते हुए। और सीबीएसई की तरफ से एक वैलिड और रिलायबल और अनबायस्ड रिजल्ट प्रोड्यूस करने के लिए इन दिस पैंडमिक सिचुएशन, इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टू मॉडरेट द मार्क्स स्ट्रिक्टली एज पर द गिवन पॉलिसी बाय सीबीएसई। सो दिस इज अ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टीचर्स एज वेल एज सीबीएसई, जस्ट टू इंश्योर जस्टिस एंड फेयरनेस टू द स्टूडेंट्स। तो आइए हम लोग देखते हैं कि इस सर्कुलर के मुख्य बिंदु क्या हैं, मेन पॉइंट्स क्या हैं, जिसके मद्देनज़र, जिसको ध्यान में रखते हुए हमें मॉडरेशन करने की ज़रूरत है। और कल जो है ये मॉडरेशन का जो पोर्टल है, कल ओपन होगा 16/7 को आफ्टरनून में, और 22 जुलाई तक मिडनाइट तक ये ओपन रहेगा। विद इन दिस पीरियड यू हैव टू मॉडरेट द मार्क्स सो दैट सीबीएसई इज बाउंड टू डिक्लेयर द रिजल्ट ऑफ क्लास 12th बाय 31 जुलाई 2021। तो 31 जुलाई तक उसे रिजल्ट प्रोड्यूस करना है। तो इसी पीरियड में, इसी शेड्यूल के अकॉर्डिंग आपको अपने स्कूल का रिजल्ट मॉडरेट करके, फाइनली डाटा फाइनलाइज करके और सबमिट कर देना है, जिससे कि बच्चों का, आपके बच्चों का रिजल्ट समय से डिक्लेयर किया जा सके। तो ये डेट्स आपको याद रखनी है, इसके अंदर ही आपको मॉडरेशन कर देना है। और अभी से आप मॉडरेट करके अपना डाटा रख लीजिए कि किस बच्चे को किस लेवल पर रखना है, उसका आईक्यू लेवल क्या है, उसका प्रीवियस परफॉर्मेंस क्या है यूटीज में, मिड टर्म में, या जो है प्री बोर्ड्स में, वो सब आपने कर ही लिया होगा, उसके अकॉर्डिंग ही आपने मार्क्स अपलोड किए थे। तो अकॉर्डिंग टू दैट हमें हिस्टोरिकल डेटा का, जो आपका रेफरेंस ईयर का हिस्टोरिकल डेटा है, उसके अकॉर्डिंग आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स उस ब्रैकेट में मेंटेन करना है, उनका सब्जेक्ट एवरेज मेंटेन करना है, ओवरऑल स्कूल का एवरेज मेंटेन करना है विद द रेफरेंस ईयर्स मार्क्स। सेकेंड पॉइंट है कि स्कूल टू फॉलो द शेड्यूल स्ट्रिक्टली एंड कंप्लीट द मॉडरेशन विद इन द गिवन शेड्यूल। तो इसी इन्हीं डेट्स के अंतर्गत आपको अपना मॉडरेशन कंप्लीट करना पड़ेगा, जिससे रिजल्ट को समय से डिक्लेयर किया जा सके। थर्ड पॉइंट है, इफ एनी स्कूल इज लेफ्ट टू कंप्लीट इट विद इन द गिवन शेड्यूल, इन डेट्स के अंदर अगर कोई भी मॉडरेट करके अपने बच्चों का रिकॉर्ड फाइनली सबमिट नहीं करता है, तो इसका फर्क उस स्कूल के रिजल्ट पर पड़ेगा, उस स्कूल का रिजल्ट बाद में डिक्लेयर किया जाएगा इंडिविजुअली, अलग से सेपरेटली आपका रिजल्ट आपके स्कूल को भेजा जाएगा।
और उस पार्टिकुलर डेट में कंबाइंड रिजल्ट जिस दिन आएगा उस दिन आपके बच्चे अपना रिजल्ट नहीं देख पाएंगे। चौथा पॉइंट मेन है कि मॉडरेशन इज ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इंश्योर जस्टिस एंड फेयरनेस टू द स्टूडेंट्स। ऑब्वियसली एज CBSE हैज सेड दैट द रिजल्ट कमेटी एंड द टीचर्स इन्वॉल्व इन द प्रिपरेशन ऑफ द रिजल्ट दे आर नॉट द पार्ट ऑफ स्कूल नाउ, दे आर द पार्ट ऑफ CBSE। तो CBSE का पार्ट होने के नाते हमारी ये जिम्मेदारी बन जाती है कि जो CBSE करना चाहता है, जिस तरह से CBSE करना चाहता है, जिस पॉलिसी को CBSE फॉलो करना चाहता है, उस पॉलिसी के साथ हम स्टिकअप हों और उस पॉलिसी के अकॉर्डिंग ही बच्चों के मार्क्स मॉडरेट करें और उनका रिजल्ट तैयार करें। तो ये हमारी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिससे कि जो वैलिड रिजल्ट है, रिलायबल रिजल्ट है, अनबायस्ड रिजल्ट है, वो प्रोड्यूस किया जा सके सभी स्कूलों के द्वारा, और जिससे कि उस पर भरोसा किया जा सके, पेरेंट्स और स्टूडेंट्स उस पर भरोसा कर सकें। पांचवा मुख्य बिंदु है इसका कि स्कूल शुड एक्सरसाइज ड्यू डिलीजेंस एंड इंश्योर दैट देयर इज नो बंचिंग ऑफ टोटल मार्क्स इन द रेंज ऑफ 95 एंड अबव। ज़्यादातर जो कॉन्सेप्ट है काफ़ी स्कूलों में देखा गया है, काफ़ी टीचर्स के द्वारा भी देखा जाता है कि वो सोचते हैं कि हमारे बच्चे बच्चों के मार्क्स बहुत अच्छे हों, 95 एंड अबव ही हों। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, हर बच्चे में अपना इंडिविजुअल डिफरेंस है, उसके टैलेंट में, उसके IQ लेवल में, और उसका जो राइटिंग कैपेबिलिटी है, अंडरस्टैंडेबिलिटी है, उसमें देर इज ए ऑलवेज डिफरेंस। तो उस डिफरेंस को देखते हुए हम सभी बच्चों को 95 एंड अबव, 96, 97, 98 नहीं दे सकते हैं। तो इसी के लिए CBSE ने आपको टेबुलेशन करते समय ये बताया था कि रेफरेंस ईयर्स का जो डाटा है उसके अकॉर्डिंग ही इस वर्ष का रिजल्ट होना चाहिए। रेफरेंस ईयर का CBSE ने आपको 33% से कम कितने थे, 33% से 50% के बीच में कितने परसेंट बच्चे थे रेफरेंस ईयर में जिसमें आपका मैक्सिमम रिजल्ट था, तो वो सब आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है। उसके अकॉर्डिंग ही आप नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को एक स्पेसिफिक रेंज में रखें। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि सभी बच्चों को आप 95 एंड अबव वाली रेंज में रख सकें एज पर द गिवन हिस्टोरिकल डेटा बाय द CBSE, सो दैट वी हैव टू फॉलो स्ट्रिक्टली, जिससे सभी बच्चों के मार्क्स जो है वो 95 एंड अबव की रेंज में ना दिए जाएं। हर रेंज में जिस तरह से परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स दिया गया उसके अकॉर्डिंग इस साल आपके यहाँ कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो मैं वीडियो बना चुका हूँ, उसमें आप देख करके उसके अकॉर्डिंग आप मॉडरेशन कर सकते हैं। इसकी आप एक प्रैक्टिस कर लें पहले भी, और जैसे ही आपका कल ये शीट खुलती है उसमें आप फटाफट आप मॉडरेट कर लेंगे, अपने बच्चों को आइडेंटिफाई कर लें कौन सा वीक है, कौन सा स्ट्रांग बच्चा है, कौन सा टैलेंटेड है, किस रेंज में है। ऑल दीज थिंग्स आर टू बी आइडेंटिफाइड इन द बिगनिंग इटसेल्फ। सिक्स्थ पॉइंट इम्पॉर्टेंट है कि अ कंप्लीट टेबुलेशन शीट विल बी विजिबल फॉर स्कूल्स कंप्राइजिंग ऑफ क्लास 11th, 10th, 11th, 12th थ्योरी एंड प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट इंटरनल असेसमेंट मार्क्स। अब यहाँ पर CBSE कह रहा है कि ये भी विजिबल होगा, प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट और इंटरनल असेसमेंट मार्क्स। ये तो जो आपकी शीट खुलेगी वो खुलने पर ही पता चलेगा किस तरह से ये मार्क्स वहाँ पर डिस्प्ले हो रहे हैं। 10th के मार्क्स में हम कोई वेरिएशन कर नहीं सकते हैं, हम 11th और 12th के मार्क्स में ही वेरिएशन कर सकते हैं, और जिससे हम लोग हिस्टोरिकल डेटा से मैचिंग कर सकते हैं और एक स्पेसिफिक ब्रैकेट्स में, स्पेसिफिक रेंज में उनके मार्क्स रख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द हिस्टोरिकल डेटा गिवन फॉर ए स्पेसिफिक ईयर। तो ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है, टेबुलेशन शीट खुलने पर ही हमें पता चल पाएगा कि उसमें किस तरह से मार्क्स टेबल के फॉर्म में आ रहे हैं, कौन से एडिटेबल हैं और कौन से अनएडिटेबल हैं। सातवां पॉइंट कहता है कि सब्जेक्ट वाइज मीन एंड ओवरऑल मीन ऑफ 2021 मस्ट मैच विद द हिस्टोरिकल ईयर्स मीन एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए स्पेसिफिक रेंज एज पर द पॉलिसी गिवन। जिस तरह से पॉलिसी में दिया है, हिस्टोरिकल डेटा में दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग हमें सब्जेक्ट मीन और ओवरऑल ऑल सब्जेक्ट्स का जो मीन है
उसे मैच करना पड़ेगा, ये बहुत ज़रूरी है। और जो स्पेसिफिक रेंजेस दी गई हैं उसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मैच करने पड़ेंगे विद द हिस्टोरिकल डेटा। तो ये CBSE कहता है एज पर द पॉलिसी। पॉलिसी के हिसाब से आप पॉलिसी को डिटेल में अच्छी तरह से पढ़ लें, समझ लें मॉडरेशन करने से पहले, तब उसके बाद आप मॉडरेशन करना चालू करें। और फाइनली लास्ट पॉइंट है कि फाइनल सबमिशन शुड बी डन व्हेन मॉडरेशन इज डन एज पर द पॉलिसी विद 100% एक्यूरेसी। जब आप सोच लें कि अब मेरा जो मैंने मॉडरेशन किया है ये बिल्कुल 100% सही है, 100% जो है ये बिल्कुल करेक्ट है, जो आपको हिस्टोरिकल डेटा दिया गया है उसके अकॉर्डिंग ये बिल्कुल मैच कर रहा है, तो दैट मस्ट बी इंश्योर्ड दैट सबमिशन बटन नीड टू बी प्रेस्ड ओनली व्हेन यू आर कंफर्म्ड दैट मॉडरेशन डन बाय यू इज 100% करेक्ट विद 100% एक्यूरेसी। तो इतना आप सुनिश्चित कर लें कि जो मैंने मॉडरेशन किया है वो मॉडरेशन पॉलिसी के हिसाब से बिल्कुल 100% सही है, तभी आप अपने डेटा को फाइनली सबमिट करें। ये CBSE का कहना है लास्ट बट नॉट लीस्ट। और ये सभी इंस्ट्रक्शंस जो भी दिए हैं CBSE ने, इसको स्ट्रिक्टली पालन करना है, इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है अगर आप समय पर अपने विद्यालय का रिजल्ट चाहते हैं तो, ठीक है। साथ साथ ये भी CBSE कहता है कि अगर कोई कमी पाई जाती है या CBSE पॉलिसी को कोई स्कूल फॉलो नहीं करता है तो उसके अगेंस्ट CBSE कोई लीगल एक्शन भी इनिशिएट कर सकता है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये सर्कुलर में प्रायर टू द ओपनिंग ऑफ द पोर्टल फॉर द मॉडरेशन ऑफ द मार्क्स ऑफ क्लास 12th, ये आपके पास सर्कुलर आज 15 तारीख में CBSE ने रिलीज़ किया है, जिससे हर बात टीचर्स को रिजल्ट कमेटी को क्लियर की जा सके। तो इन्हीं शब्दों के साथ इस वीडियो का अंत करता हूं, और अगर ये वीडियो पसंद आया, आपको इस लेटर में दिए हुए सभी पॉइंट्स अच्छी तरह से क्लियर हो गए, तो आप वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। कोई कमेंट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं अपनी राय, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें सो दैट यू कीप ऑन गेटिंग द लेटेस्ट नोटिफिकेशंस ऑफ कमिंग वीडियो। आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।